रिकॉर्डिंग नहीं चालू की मैंने नहीं देखा था। थी। ठीक है चलो, अभी लिखो डीटी, हाँ पब्लिक रिलेटिव पब्लिक फॉर्म पब्लिक एचयूएफ, एचयूएफ के ब्रैकेट में लिखो जीटी और रिलेटिव मेंबर, पब्लिक मेंबर ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिखो होल्ड्स मोर देन 20% इन एमएनपी लिमिटेड, तो एमएनपी लिमिटेड क्या बन जाएगी, प्रमोटर ग्रुप, तो एमएनपी प्रमोटर लिमिटेड ग्रुप को बन ब्लू जाएगा। ब्लू कर दो। बी एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच अ बॉडी कॉर्पोरेट एज प्रोवाइडेड इन ए अबव होल्ड्स 20% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एमएनपी लिमिटेड होल्ड्स 20% इन यूवी लिमिटेड, तो यूवी लिमिटेड क्या बन जाएगी, प्रमोटर ग्रुप। हाँ, एमएनपी के एसोसिएट है इसके लिए। नेक्स्ट एनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म इन विच द एग्रीगेट शेयर ऑफ द प्रोमोटर एंड देयर रिलेटिव्स इज इक्वल टू और मोर देन 20% टू द टोटल कैपिटल। ठीक है, एंटर मारो, जी टी एच यू ए, जी टी एच यू ए पब्लिक जीटी पार्टनरशिप ठीक है, ब्रैकेट में जीटी ओब्लिक रिलेटिव्स शेयर मोर देन 20%, तो जीटीएचयूएफ और जीटीबी जीटी पार्टनरशिप भी प्रमोटर ग्रुप हो जाएगी, तो उनको ब्लू कर दो, जीटीएचयूएफ और जीटी पार्टनरशिप। All persons whose shareholding is aggregate under the heading shareholding of the promoter group, अब अपने provided प्रमोटर, that ये एंटर मारो पहले। ये ग्रुप के बाद में हाँ ठीक है, जिनको आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में डाले हुए हो ऑलरेडी, पर्सन नेम्ड इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, नेम्ड इन शेयरहोल्डिंग पैटर्न, और इसको भी ब्लू कर दूं। ठीक है, नीचे देखो प्रोवाइडेड दैट, Provided that a financial institution, scheduled bank, foreign portfolio investor other than individuals, corporate bodies and family offices, mutual fund, venture capital fund, alternative investment fund, foreign venture capital investor, insurance company registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India, or any other category as specified by the board from time to time, shall not be deemed to be a promoter group. Merely by virtue of fact that 20% or more of the equity share capital of the promoter is held by such person or entity. ठीक
आगे भी पढ़ना है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी रजिस्टर्ड ट्रीटेड एज प्रमोटर ग्रुप फॉर द सब्सिडरीज और कंपनीज प्रमोटेड बाय देम और फॉर म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड बाय देम। ठीक है, ये समरी में क्या कह रहा है, खाली ये जो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन 20% होल्ड करती हैं तो इनको हम प्रमोटर ग्रुप नहीं मानेंगे, पहले भी हमने पढ़ा हाँ है, एक्सेप्ट फॉर वो कंपनियां जो इन्होंने खुद फॉर्म की हाँ उनके लिए प्रमोटर बनेंगे। लाइक एसबीआई बैंक अगर कोई अपनी सब्सिडियरी बनाता है हाँ तो वो तो उसकी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट होगी ना। हाँ ठीक है, तो अभी हम तो लोगों का इसको मतलब हाईलाइट करना है प्रमोटर स्पॉन्सर्ड बाय प्रमोटर ग्रुप देम की को। डेफिनेशन आए नीचे वाला, क्योंकि ये उस कंपनी के कंटेक्स्ट में नहीं है, शेल बी ट्रीटेड से लेके फंड स्पॉन्सर्ड बाय देम तक शेल बी ट्रेडर से लेके फंड स्पॉन्सर्ड बाय देम हाँ ब्लू, ये लोग प्रमोटर ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब हम लोग कर रहे थे प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में नहीं हुई थी तो अभी हम सम अप कर रहे हैं। पहले बताओ प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर मींस जो हमने जिनका समरी बनाई नाम उधर, समरी से बताओ। हाँ प्रमोटर मींस जिनका नाम ऑफर डॉक्यूमेंट में हो एज अ प्रमोटर और एनुअल रिटर्न में डिफाइन किया गया हो एज अ प्रमोटर या फिर जो कंट्रोल करता हो अफेयर्स ऑफ कंपनी एज अ शेयर होल्डर और एज अ डायरेक्टर और अदरवाइज बाय वे ऑफ एग्रीमेंट से। इसमें लेकिन 20% और मोर होल्डिंग होगा स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस का उनको प्रमोटर नहीं माना जाएगा क्योंकि बेसिकली वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है। फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है। हाँ या फिर जिनके एडवाइस पे बोर्ड को एक्ट करना रहता है जो कि एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि जिसके एडवाइस पे बोर्ड एक्ट कर रहा है उसमें एक्सक्लूडिंग एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी जैसे जो भी प्रोफेशनल कैपेसिटी पे बोर्ड को एडवाइस देता है उन लोगों को प्रमोटर नहीं माना जाएगा। वेर एज प्रमोटर ग्रुप में प्रमोटर हिमसेल्फ या फिर उसके इमीडिएट रिलेटिव्स जैसे स्पाउस पेरेंट ब्रदर सिस्टर चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ स्पाउस तो देखो ब्रदर की वाइफ को कवर्ड है क्या इसमें, नहीं ब्रदर के बच्चे? ब्रदर के बच्चे भी नहीं फादर इन नहीं लॉ, मद फादर इन लॉ, मदर इन लॉ? सर इसमें सिर्फ चाइल्ड ऑफ द पर्सन और ऑफ स्पाउस है तो उसके ब्रदर और इन नहीं, लॉ फादर इन वो लॉ पूरा पूरा सब कवर होगा। ओके अभी सिर्फ ये बताओ। ब्रदर की वाइफ नहीं होगा राइट ब्रदर एंड सिस्टर के स्पाउस नहीं कवर होंगे बच्चे नहीं कवर होंगे ब्रदर के, सिस्टर अच्छे नहीं कवर के, होंगे तो यस इमीडिएट रिलेटिव मतलब जो आपसे इमीडिएटली रिलेटेड है, आपके भाई बहन, टी बोलते हैं इसको, मम्मी डैडी सेल्फ भाई बहन बच्चे बीवी और उसके सेम टी। हाँ ठीक है, तो ये प्रमोटर ग्रुप में आएंगे। और कौन आएगा प्रमोटर ग्रुप में, अगर प्रमोटर कंपनी है तो? कंपनी है तो कंपनी इटसेल्फ उसकी सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी और अगर वो कंपनी 20% होल्ड करती हो कोई और कंपनी में तो वो और प्रमोटर की बॉडी कॉर्पोरेट कई और कोई और कंपनी में 20% प्लस होल्ड करती हो और इंडिविजुअल है तो? अगर इंडिविजुअल है एक सेकेंड इंडिविजुअल है तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं इंडिविजुअल या उसका रिलेटिव या फैमिली या एचयूएफ के थ्रू नहीं, नीचे है कोई ना, ये और डी फॉर्म। कंपनी ये है ना सर हाँ प्रमोटर खुद या उसके रिलेटिव या फैमिली या उसका एचयूएफ जिसमें प्रमोटर या फिर उसका रिलेटिव मेंबर है होल्ड्स मोर देन 20% वो कंपनी भी प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है। फिर अगर कोई कंपनी जो प्रमोटर ग्रुप की एसोसिएट है वो अभी किसी आपने जो और ऊपर कंपनी कंपनी
आपने जो कंपनी डिफाइन की ऊपर, अगर वो कंपनी किसी और कंपनी में 20% होल्ड कर रही है, हाँ, तो वो भी प्रोमोटर ग्रुप में आ जाएगी। फिर प्रमोटर की एचओएफ, प्रमोटर की पार्टनरशिप, अगर उसमें प्रमोटर का और उसके रिलेटिव का शेयर 20% से ज्यादा है तो वो भी असल मोर प्रमोटर है। है तो वो भी आ जाएगी। फिर ऐसे सब लोग और जिनका नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में लिखा हुआ है। और ऐसी कंपनीज जिसमें प्रोमोटर ग्रुप दो टमाटो और एक मिक्स वेज सूप। बोलना। हाँ आगे। प्रमोटर ग्रुप ने सब्सिडीज या कंपनीज जो प्रमोट खुद करते हैं, अगर ये जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो अगर उनसे स्पॉन्सर्ड है तो वो भी मानी जाएगी, अदरवाइज वो तो नहीं मानी उनके लिए प्रमोटर जाएगी। होंगे, बाकियों के लिए नहीं। ठीक बाकियों के लिए नहीं होंगे। है, तो ये थी प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन। अभी एक बार वो उस पे आ जाओ, एक्सेल शीट पे हमने अभी तक क्या क्या लिख दिया इसको लिख दो वहां पे। ठीक है, एक बार उसको कितना टाइम है, ऊपर से नीचे तक रिव्यू कर दो क्या है। यहां से बोल रहे सर, हाँ हमने रेगुलेशन फर्स्ट में पढ़ा था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ये इसका नाम है, एंड डिस्क्लोजर ये रिक्वायरमेंट, दिसंबर ये इसका 15 में नाम है आपका। ये। हाँ, फिर एक्ट, ये एक्ट है। एक्ट क्या होता है? एक्ट मींस एक्ट मीन्स ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशन वाला नहीं, एक्ट मीन्स सेबी एक्ट सेबी है। लिख दो, याद नहीं है तो डैश करके सेबी एक्ट लिख, इसलिए वो पीछे भी पढ़ते रहने का, नहीं तो पता चलेगा आगे चले पीछे भूल गए। एसोसिएट राइट सर। पता है, हाँ, एसोसिएट यानी जो बोर्ड्स। 20% प्लस मोर करता है। बोर्ड मीन सेबी बोर्ड। जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा है हाँ, वो कंपनी का बोर्ड। वो कंपनी का पढ़ते बोर्ड जाओ है। फटाफट, 3 मिनट है, 3 मिनट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी ये KMP है, फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, होल टाइम फाइनेंस डायरेक्टर, हेड ऑफ फाइनेंस डिफाइन किया, फिर कमिटी, फिर डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आता है जो कि लिस्टेड में देखा जाता है, फिर फाइनेंशियल ईयर, फुग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जिसने कंट्री में ऑफेंड करके आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसमें इंडिया अपनी सिक्योरिटीज आउट ऑफ इंडिया अदर देन यूएसए लेता इशू करता है, हाफ ईयर यानी 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, एंड हाफ ईयरली रिजल्ट 30 सितंबर से यानी मार्च तक, 1 अक्टूबर से मार्च तक। हाँ ए हाँ 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, हाफ ईयरली रिजल्ट यानी ये ड्यूरिंग दिस हाफ ईयर जो भी हम रिजल्ट्स, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स या फिर हम देते हैं वो, होल्डिंग कंपनी मीन्स जिसमें 50% से ज्यादा अपना शेयर कैपिटल पे हो होल्ड या होता है बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करें। या फिर बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल कर रहे हो। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी अदर देन इंडिया की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में अपने इंडिया में शेयर्स पैसे इशू का। कर पैसा इंडिया से पैसा लेती है। इंसॉल्वेंसी कोड यानी जो आईबीसी कोड है अपना, ये मैनेजरियल पर्सन, लिस्टेड एंटिटी, लिस्टिंग एग्रीमेंट, मेन बोर्ड, मेन नेटवर्थ, बोर्ड, नॉन नेटवर्थ, कन्वर्टिबल डेट नॉन सिक्योरिटीज, कन्वर्टिबल डेट कोई ऐसा नहीं है ना जो भी ऊपर जा रहा हो, ऑफ। ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप, क्लियर है? पब्लिक पब्लिक हाँ शेयर होल्डिंग, क्वार्टर क्वार्टरली रिजल्ट। अभी हम करेंगे हाँ अपना दोपहर के बाद रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और रिलेटिव्स। राइट सर। ठीक है, चल अभी मार लो ब्रेक। ओके, थैंक यू। ठीक है ना, समझ आ हाँ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है जो ऊपर जा रहा सर, है। हाँ सर।